हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ जिया और आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोटोमी। सो लेट अस सी व्हाट इज़ माइक्रोटोमी एंड व्हाट इज़ माइक्रोटोम। सो माइक्रोटोम इज़ एन इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट यूज्ड फॉर कटिंग सेक्शंस एंड द टेक्निक ऑफ द सेक्शन कटिंग इज़ कॉल्ड एज माइक्रोटोमी। सो बेसिकली माइक्रोटोम क्या है? ये जो माइक्रोटोम है ये एक इंस्ट्रूमेंट है या फिर ये एक इक्विपमेंट है, ठीक है, विच इज़ यूज्ड फॉर कटिंग सेक्शंस। सेक्शंस को कट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो माइक्रोटोम क्या है? इक्विपमेंट है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम सेक्शंस को कट करते हैं। और ये जो टेक्निक है, ये जो सेक्शंस कट करने की टेक्निक है, तरीका है, इसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोटोमी। दोनों में डिफरेंस है, याद रखना। उसके बाद सो बेसिकली माइक्रोटोम एक इंस्ट्रूमेंट है एंड माइक्रोटोमी इज अ टेक्निक। ओके, सो माइक्रोटोम इज यूज टू कटिंग पैराफिन टिश्यू सेक्शंस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। जो माइक्रोटोम है वो इसलिए यूज किया जाता है ताकि हम कट कर सके पैराफिन टिश्यू सेक्शंस को एक यूनिफॉर्म थिकनेस में, मतलब कि एक सिमिलर थिकनेस में, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट इज डिजाइन टू कट 1 micron to 60 micron थिन सेक्शन। इस इंस्ट्रूमेंट से हम कितने पतले सेक्शंस कट करते हैं, कर सकते हैं? 1 to 60 micron। उसके बाद द नोब ऑन द मशीन इज यूज टू एडजस्ट द थिकनेस ऑफ द सेक्शंस। थिकनेस को एडजस्ट कर सकते हैं सेक्शंस के कट करने के लिए। उसके बाद द फर्स्ट ट्रूली मैकेनिकल माइक्रोटोम वॉज परहैप्स द स्लाइडिंग माइक्रोटोम। स्टार्टिंग में सबसे स्लाइडिंग माइक्रोटोम बनाया गया था, जो डिवाइस किया गया था एट मास के थ्रू इन 1979। ओके, सो अब क्या है? ऑल ऑफ देम शुड फुलफिल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। अब ये जो माइक्रोटोम है ये कुछ क्राइटेरिया है, उनको फॉलो करना चाहिए, जैसे कि रीच सपोर्ट फॉर द नाइफ एंड द टिश्यू। जो माइक्रोटोम है वो सपोर्ट, जो नाइफ है उसको रीच सपोर्ट दे, कठोर सपोर्ट दे, ताकि वो अच्छे से कटिंग कर सके और टिश्यू ब्लॉक को भी अच्छे से पकड़ के रखे। उसके बाद मीन्स ऑफ मूविंग आइदर द टिश्यू ब्लॉक, या तो टिश्यू ब्लॉक रोटेट करे अक्रॉस द फील्ड फिक्स्ड नाइफ एज। अगर टिश्यू ब्लॉक रोटेट करेगा तो नाइफ क्या होगा? फिक्स रहेगा, क्योंकि अगर नाइफ फिक्स रहेगा तो टिश्यू ब्लॉक ऊपर से नीचे आएगा, ब्लॉक रोटेट करेगा तो नाइफ थ्रू वो कटता रहेगा, ठीक है, या फिर ब्लॉक फिक्स रहे और नाइफ एज मूव करता रहे। तो उसके बाद मीन्स एक्यूरेटली एडवांसिंग द टिश्यू टू कट ईच सेक्शन एट द प्री डिटरमाइंड थिकनेस। ये जो थिकनेस होती है, जो हम सेक्शन कट कर रहे हैं, ये प्री डिटरमाइंड होता है, मतलब हम पहले से ही उसके सेक्शंस की एडजस्टमेंट कर सके, ठीक है। नाउ वी हैव अ 7 types ऑफ माइक्रोटोम। सो पहला क्या है? रोटेटरी माइक्रोटोम। सो रोटेटरी माइक्रोटोम जो होता है वो कॉमनली यूज होता है हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर, जिसका नाइफ होता है वो फिक्स्ड होता है जब हम टिश्यू की कटिंग करते हैं, और जो ब्लॉक होता है वो मूवेबल होता है, ठीक है, नाइफ फिक्स रहेगा और ब्लॉक मूव करेगा। उसके बाद डिस्कवर्ड बाय, ये डिस्कवर्ड किसने किया था? चार्ल्स मिनेल और फिटर ने। और ये एक्सीलेंट कटिंग करता है, सीरियल कटिंग जो करता है ये बहुत अच्छे से करता है, इसलिए इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। उसके बाद दूसरा है स्लाइडिंग माइक्रोटोम। जो स्लाइडिंग माइक्रोटोम है इसमें क्या होता है? टिश्यू ब्लॉक फिक्स रहता है जबकि वाइल नाइफ इज मूवेबल, नाइफ मूव करता रहता है। यूज एज अ फ्रीजिंग माइक्रोटोम। ये जो स्लाइडिंग माइक्रोटोम है इसको फ्रीजिंग माइक्रोटोम की तरह भी यूज किया जा सकता है, और यूजफुल इन द कटिंग ऑफ टिश्यूज एम्बेड इन द सेलोइडिन। और जो कुछ टिश्यूज को हम सेलोइडिन के अंदर एम्बेड करते हैं उसकी कटिंग के लिए भी स्लाइडिंग माइक्रोटोम बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। फ्रीजिंग माइक्रोटोम CO2 गैस, एक सिलेंडर होता है CO2 गैस का जो कि फ्रीजिंग माइक्रोटोम के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। ये जो CO2 है ये कैसा वर्क करेगा? ये कूलिंग एजेंट का वर्क करेगा इसमें, एंड ये कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ ट्यूब, ठीक है। ट्यूब शुड नॉट हैव एनी बैंड्स एंड क्रैक। अभी जो ट्यूब है इसके, ये ध्यान रखना है आपको कि ट्यूब के अंदर कोई बैंड या क्रैक ना हो, ठीक है। सेक्शंस आर कट बाय स्विंग्स मूवमेंट। इसके अंदर जो मूवमेंट होता है वो स्विंग मूवमेंट होता है ऑफ द नाइफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड विद अ रेगुलर रिथम। रेगुलर रिथम के साथ स्विंग मूवमेंट होता है इसका। एंड ये जो फ्रीजिंग माइक्रोटोम है ये बहुत चीप है, एडवांटेज है ये इसका, चीप है ये, रिक्वायर्ड लेस स्पेस, बहुत कम स्पेस चाहिए होता है, और जो इक्विपमेंट्स होते हैं इसके पोर्टेबल होते हैं। पोर्टेबल मतलब कहीं से उठा के आप कहीं पर भी इजिली रख सकते हो। उसके बाद डिसएडवांटेज की बात करें तो जो इसके सेक्शंस होते हैं वो काफ़ी थिक करते हैं, थिन नहीं करते हैं। CO2 गैस में रन आउट इन बिटवीन प्रोसीजर, काफ़ी बार प्रोसीजर के बीच में CO2 गैस खत्म भी हो जाती है, ठीक है, उसके बाद या फिर लीक हो जाती है। ट्यूब में भी ब्लॉक बाय सॉलिडिफाइड CO2, और काफ़ी बार जो ट्यूब, जिस ट्यूब के अंदर से CO2 माइक्रोटोम में हेल्प कर रही होती है ब्लॉक प्रिपरेशन में, उसमें क्या होता है काफ़ी बार CO2 गैस सॉलिडिफाई हो जाती है, ठीक है। सो उसके बाद है 4th one, दैट इज़ अ क्रायोस्टेट माइक्रोटोम। अब क्रायोस्टेट माइक्रोटोम रीडिजाइन इन डेनमार्क, डेनमार्क के अंदर डिजाइन किया गया था, एंड लिंडरस्टोन लॉन्ग ने इसको, लिंडरस्टोन लॉन्ग एंड मोरंगेसेन ने मिलकर इसको बनाया था। उसके बाद इसका जो लो टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर जो रिक्वायर होता है वो माइनस में जाता है, -20° to -30° C पे ये ब्लॉक प्रिपरेशन होती है इसके अंदर। एंड एक्सट्रीमली थिन सेक्शंस
ये कट करता है कितने सेक्शंस कट करता है, 20 माइक्रोन के सेक्शंस को कट ये कर देता है। क्राइस्टेड माइक्रोटोम काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, इसके जो इसका ये बिग डिसएडवांटेज है कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, इसको अफोर्ड करना इतना इजी नहीं है, और साथ में जो इसके इक्विपमेंट्स होते हैं वो इतना पोर्टेबल नहीं होते हैं, मतलब पूरा कैबिनेट ही होता है ये, ठीक है। सो फ्रोजन सेक्शन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। क्राइस्टेड माइक्रोटोम को जो हमें बहुत जल्दी रिपोर्ट देनी होती है, रैपिड डायग्नोसिस करना होता है, उसमें क्राइस्टेड माइक्रोटोम की हेल्प बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। क्राइस्टेड माइक्रोटोम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अगर रोकिंग माइक्रोटोम की बात करें, 6th नंबर, इसका जो नाइफ होता है वो इमूवेबल होता है, एंड ये जो रोकिंग माइक्रोटोम है इन दिनों ज़्यादातर यूज़ में नहीं है। उसके बाद बेस स्लेज माइक्रोटोम, बेस स्लेज माइक्रोटोम जो है वो यूज़ किया जाता है हार्ड और लार्ज ब्लॉक्स के लिए, जैसे कि ब्रेन और हार्ट का अगर टिश्यू है हमारे पास, उसके ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, तो उसकी कटिंग के लिए बेस स्लेज माइक्रोटोम यूज़ किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि अगर हार्ट का टिश्यू है आपके पास या फिर ब्रेन का टिश्यू है तो उसकी कटिंग के लिए किस माइक्रोटोम का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, बेस स्लेज माइक्रोटोम यूज़ होता है। देन अल्ट्रा माइक्रोटोम, अल्ट्रा माइक्रोटोम जो होता है, अल्ट्रा माइक्रोटोम में अल्ट्रा थिन सेक्शंस कट होते हैं, ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा पतले सेक्शंस कट होते हैं, और ये सेक्शंस ज़्यादातर किस लिए यूज़फुल होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हेल्प करते हैं, ठीक है। सेक्शंस आर थिन, सेक्शंस कितने थिन होते हैं, 60 से 70 नैनोमीटर तक होते हैं, कैन बी कट विद ईज, इसमें आसानी से जो सेक्शंस होते हैं वो 60 से 70 नैनोमीटर तक के कट जाते हैं। सो नाउ देर इज़ अ केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द माइक्रोटोम, माइक्रोटोम को मेंटेन कैसे करके रखना है। सो कीप द मूविंग पार्ट्स वेल लुब्रिकेटेड एंड क्लीन, जितने भी माइक्रोटोम के मूवेबल पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, हमें लुब्रिकेटेड रखना है। जैसे कि हम हमारे घर पे जैसे डोर्स होते हैं तो उनके हैंडल्स होते हैं, उसमें ऑयल डाल के रखते हैं, उसको लुब्रिकेशन कहते हैं। ऐसे ही जो हमारे हमारा माइक्रोटोम है उसके जितने मूवेबल पार्ट्स हैं उसको लुब्रिकेंट रखना है, सो दैट वो काम करते रहे, उनमें जंग ना लगे। डो नॉट परमिट रस्ट एंड डस्ट, रस्ट मतलब जंग और डस्ट तो आपको पता ही होगा, ठीक है। सो डू नॉट परमिट रस्ट एंड डस्ट और पैराफिन टू एक्यूमुलेट बिटवीन द बियरिंग सर्फेसिस ऑफ नाइफ होल्डर एंड ब्रैकेट्स, उनके ऊपर डस्ट नहीं आनी चाहिए, रस्ट नहीं आना चाहिए, एंड पैराफिन वैक्स भी वहाँ पर लीव नहीं होनी चाहिए। उसके बाद द सर्फेस शुड बी क्लीन फ्रिक्वेंटली, जो सर्फेस है उसका टाइम टाइम पे साथ के साथ उसको क्लीन करते जाओ। देन वाइप विथ गुड न्यूट्रल ऑयल, और उसको फिर पहुँचना है अच्छे से गुड न्यूट्रल ऑयल के साथ में, जैसे कि कोकोनट ऑयल। आफ्टर कटिंग सेक्शंस ऑन द माइक्रोटोम, माइक्रोटोम पे सेक्शंस कट करने के बाद ऑल एक्यूमुलेटेड पैराफिन और टिश्यू शुड बी रिमूव विद सॉफ्ट ब्रश, वहाँ पर जितना भी टिश्यू गिरा है या फिर पैराफिन वैक्स गिरी है कटिंग करते हुए, जो एक्यूमुलेट हुई है उसको अच्छे से सॉफ्ट ब्रश के साथ वहाँ से डस्ट ऑफ कर देना है, ठीक है। एंड देन मेटल पार्ट्स आर क्लीन विद ज़ाइलिन, जितने भी मेटल पार्ट्स हैं माइक्रोटोम के अंदर उसको ज़ाइलिन के साथ क्लीन करना है। ऑल मूविंग पार्ट्स ऑफ द माइक्रोटोम मस्ट बी कैप्ट लुब्रिकेटेड, ये भी मैंने आपको बता दिया, जितने मूवेबल पार्ट्स उसको लुब्रिकेट रखना है अच्छे से विद अ लाइट लुब्रिकेंट ऑयल, कौन सी लुब्रिकेंट ऑयल के साथ करेंगे, जो कि लाइट हो एंड कैप्ट फ्री फ्रॉम पैराफिन, और पैराफिन से भी उसको फ्री करके रखना है, पैराफिन नहीं जमना चाहिए माइक्रोटोम के ऊपर। पुट कवर ऑन अ माइक्रोटोम, माइक्रोटोम को हमेशा कवर करके रखना है व्हेन नॉट इन यूज, जब आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं, टू प्रिवेंट डस्ट एक्युमुलेशन, किस लिए करना है, ताकि उसके ऊपर गंदगी ना जमे। उसके बाद देखिए माइक्रोटोम नाइफ क्या होती है, माइक्रोटोम नाइफ, माइक्रोटोम नाइफ प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोड्यूसिंग गुड सेक्शंस, गुड सेक्शंस को प्रोड्यूस करने में, कट करने में जो हेल्प करता है, दैट इज़ अ माइक्रोटोम नाइफ। अगर माइक्रोटोम नाइफ अच्छा होगा तो उतना ही अच्छे हमारे सीरियल सेक्शंस कट होंगे, जितना बेकार माइक्रोटोम होगा उतना बेकार हमारा सेक्शन कट होगा और उतना आगे का प्रोसेस बेकार होने वाला है, ठीक है। सो नाइफ शुड बी शार्प वेल एडजस्टेड, जो नाइफ है वो शार्प होना चाहिए, अच्छे से एडजस्ट होना चाहिए माइक्रोटोम के अंदर। The length of the knife chosen according to the particular microtome, जिस तरीके का microtome होगा उसी तरीके की length का हम knife use करेंगे, okay? So knife angle is very important for thin uniform sections. Uniform sections को cut करने के लिए अच्छे से knife का angle अच्छे से बनाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद angle formed between knife edge, जो angle form होता है knife edge के बीच में और paraffin block के बीच में, उस angle का नाम होता है angle of clearance, क्या बोलते हैं, angle of clearance, जो कि 2 to 5 degree होता है। उसके बाद इट इज़ नेसेसरी टू अवॉइड फ्रिक्शन बिटवीन नाइफ एंड ब्लॉक, नाइफ और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन नहीं आना चाहिए, जितना वो चीज़ स्मूद होगी उतने अच्छे सीरियल सेक्शन कट होंगे, जितना फ्रिक्शन होगा उतना बेकार सीरियल सेक्शन कट होगा और डायग्नोसिस भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। सो उसके बाद देखिए देर मेनली हमारे पास दो तरीके के नाइफ होते हैं मेनली, जैसे वो नाइफ जो कि यूज़ किया जाता है रॉकिंग माइक्रोटोम्स के लिए, जिसका एंगल फिक्स्ड होता है और फिक्स हैंडल होता है जिसका, एंड एक लार्ज माइक्रोटोम नाइफ होता है जिसकी लेंथ ज़्यादातर 8 सेंटीमीटर होती है, जो कि फ्रीजिंग माइक्रोटोम में यूज होता है।
और 24 सेंटीमीटर वाला स्लेज माइक्रोटोम में यूज होता है। सो नाउ देयर इज अ पार्ट्स ऑफ माइक्रोटोम नाइफ। सो क्या है, देखिए ये हॉर्निंग गेज है, ये हॉर्निंग गेज है जहाँ से हम नाइफ को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। ये ब्लेड है नाइफ का, ठीक है, उस वाले एंगल को टो कहते हैं, यहाँ पे ये हील होती है, ठीक है। उसके बाद ये हैंडल है एंड दिस इज अ टोटली माइक्रोटोम नाइफ। सो नाउ देयर इज अ वेरियस टाइप्स ऑफ नाइफ। हमारे पास चार तरीके के नाइफ होते हैं। एक होता है प्लैनो कनकेव नाइफ, जिसका शेप कुछ इस तरीके का होता है एंड यूज्ड फॉर बेस स्लेज माइक्रोटोम। इसको हम बेस स्लेज माइक्रोटोम के अंदर यूज करते हैं, यूज टू कट टफेस्ट टिश्यू। टफेस्ट टिश्यू को इससे कट कर सकते हैं जो कि पैराफिन में एम्बेड होते हैं। ऑल्सो सुटेबल फॉर सेलोइडिन एलवीएन एम्बेडेड मटेरियल। जो हम टिश्यूज को सेलोइडिन और एलवीएन से एम्बेड करते हैं उसके लिए भी प्लैनो कनकेव नाइफ यूज किया जाता है। वाइब्रेशन फ्री रहता है ये एंड ईजी क्विक टू शार्पन, आराम से इसको हम शार्प कर सकते हैं। उसके बाद बाइकनकेव नाइफ जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है, ये हॉलो ग्राउंड होता है दोनों साइड पे, ये देखो हॉलो ग्राउंड है ये चीज़ है। यूज इन रॉकिंग माइक्रोटोम, माइक्रोटोम में यूज, रॉकिंग माइक्रोटोम में इसको यूज किया जाता है। इट इज़ नोन एज हैफर्स ब्लेड एंड मेनली यूज फॉर वेक्स्ड एम्बेडेड टिश्यू। जो कि वेक्स्ड एम्बेडेड टिश्यूज होते हैं उनके लिए इसको, कटिंग के लिए इसको लिया जाता है। उसके बाद वेज शेप नाइफ कुछ इस तरीके से दिखता है। उसके बाद ये जो वेज शेप नाइफ होता है, कट ऑल पैराफिन सेक्शन, जितने भी पैराफिन सेक्शन होते हैं उसको कट कर सकता है। इसको यूज़ किया जाता है स्लेज और रोटेटरी माइक्रोटोम में, साथ में इसको फ्रीजिंग माइक्रोटोम के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है। जो इसकी एज होती है वो वाइब्रेशन फ्री होती है, इसी वजह से ये जो टफेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको बहुत ईजिली कट कर सकता है। ये टेक्स लॉन्गर टाइम टू शार्पन देन प्लैनो कनकेव नाइफ। जो प्लैनो कनकेव नाइफ है उससे ज़्यादा टाइम लेता है शार्प होने में। टूल एज नाइफ यूज फॉर रोबस्ट माइक्रोटोम, इसको रोबस्ट माइक्रोटोम में यूज किया जाता है फॉर कटिंग हार्ड टिश्यू, हार्ड टिश्यूज के लिए जैसे कि अनकैल्सिफाइड बोन। उसके बाद शार्पनिंग ऑफ नाइफ, दो तरीके से करते हैं हम, इसके दो टेक्निक होती है शार्पनिंग ऑफ नाइफ की। एक होती है हॉर्निंग टेक्निक जिसको हम बोलते हैं शार्पनिंग, निक्स को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है ये, एंड स्ट्रॉपिंग टेक्निक पॉलिशिंग, जिससे हम उसको अच्छे से पॉलिश करते हैं नाइफ को। सो क्या होता है, जब हम नाइफ को माइक्रोटोम में यूज़ करते रहते हैं तो धीरे धीरे उसमें ब्लंट्स पड़ने लग जाते हैं, निक्स एंड ब्लंट्स पड़ने लग जाते हैं, उनको रिमूव करने के लिए हमें उसको शार्पन करना पड़ता है। शार्पन करने के लिए हम स्टोन यूज करते हैं जिनका नाम होता है बेल्जियम येलो स्टोन ले सकते हो, या फिर बेल्जियम ब्लैक स्टोन ले सकते हो, या फिर आर्कनसंस, या फिर प्लेट ग्लास ले सकते हैं। टेक्निक की बात करें कैसे करना है, तो हमें क्या करना है, क्लीन द नाइफ विद अ ज़ाइलिन सोक्ड क्लॉथ। हमें क्या करना है, एक कॉटन का कपड़ा लो, उसको ज़ाइलिन में डिप करो और नाइफ को अच्छे से क्लीन कर लो, ओके। उसके बाद पुट ऑन द प्रॉपर हॉर्निंग बैग। अब क्या करना है, हॉर्निंग बैग को अच्छे से रखो, ठीक है, एंड कीप अ डैम्प क्लॉथ अंडर द हॉर्न। हमने हॉर्न के नीचे डैम्प क्लॉथ रखना है ताकि प्रोसेस के दौरान वो जो हॉर्न है खिसके नहीं, ठीक है। एंड पोजिशन द हॉर्न ऑन अ सुटेबल बेंच, और अच्छे से सुटेबल बेंच पे रख लो ताकि आपको ईजी रहे प्रोसेस करने में। उसके बाद क्लीन सर्फेस ऑफ हॉर्न, हॉर्न का सर्फेस क्लीन करना है, रिमूव डस्ट पार्टिकल्स एंड लुब्रिकेंट द सर्फेस ऑफ हॉर्न विद कोकोनट ऑयल। अच्छे से साफ करो, डस्ट पार्टिकल हटा दो, लुब्रिकेंट करो हॉर्न को विद द हेल्प ऑफ कोकोनट ऑयल। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लेस द नाइफ एट द एंड एंड पुश इट डायगोनली फॉरवर्ड विद द लीडिंग कटिंग एज इन द फ्रंट। अब उस तरीके से हम इस टेक्निक से उसको शार्पनिंग करेंगे, ठीक है, और जस्ट बिफोर द एंड रिचेज द एंड द स्टोन ऑफ द नाइफ इज टर्न। जैसे ही आप एंड पे पहुंचने वाले होंगे स्टोन के तभी आपको नाइफ को टर्न कर लेना है। उसके बाद देखिए अगेन स्टोन कौन से यूज कर सकते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है काफी बार। बेल्जियम येलो स्टोन ले सकते हो आप, बेल्जियम ब्लैक स्टोन ले सकते हो, आर्कनसंस ले सकते हो, प्लेट ग्लास भी ले सकते हो। उसके बाद देखिए स्ट्रॉपिंग टेक्निक में पॉलिशिंग करते हैं। पॉलिशिंग हम किससे कर सकते हैं, लेदर का एक स्ट्रोक होता है उससे कर सकते हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, टेक अ क्लीन एंड ड्राई नाइफ, हमने नाइफ को क्लीन कर लेना है, ड्राई कर लेना है अच्छे से। उसके बाद प्लेस अ रिच स्ट्रोक ऑन द बेंच। अब हमने क्या करना है, जो हम स्ट्रोप लेने वाले हैं वो रीच्ड होनी चाहिए, कठोर होनी चाहिए, ऐसी नहीं है कि हल्की फुल्की सी ले ली, ठीक है, थोड़ी सी रीच्ड होनी चाहिए, उसको बेंच के ऊपर रखना है। उसके बाद प्लेस नाइफ एट वन एंड द स्ट्रोप, स्ट्रोप के एक एंड पे हमने नाइफ को प्लेस करना है एंड पुश इट डायगोनली फॉरवर्ड, उसको पुश करना है। एंड देन उसके बाद हमने क्या करना है, मेंटेन द प्रेशर ऑन द नाइफ, नाइफ के ऊपर प्रेशर को मेंटेन करके रखें ताकि सारा का सारा नाइफ अच्छे से पॉलिश हो पाए। एंड व्हेन इट रीचेस द एंड ऑफ द स्ट्रोप टर्न इट, और जैसे ही आप एंड पे पहुंचो स्ट्रोप के उसको टर्न कर लो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक माइक्रोटोम, इसका बाकी का सेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कितना हेल्पफुल रहा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भी ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा था। और अगर कोई डाउट है तो भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। एंड प्लीज़ सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।